जय हिंद बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं आरिफ सिद्दीकी। तो चलिए बढ़ते हैं जालौन से एक खबर की ओर। जालौन में आज फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आज सुबह जालौन में एक तेज रफ्तार डीसीएम गाड़ी ने अनियंत्रित होकर दो बच्चों में टक्कर मार दी, जिससे कि मौके पर ही दोनों लड़कों की मौत हो गई। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे संवाददाता महेंद्र कुमार गौतम की रिपोर्ट की ओर। संबंधित मामले में प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद के जालौन बंगरा मार्ग पर सुडार के पास मध्य प्रदेश की ओर से आ रही तेज रफ्तार अनियंत्रित डीसीएम गाड़ी ने सुडार सादाबाद निवासी अज्जू विश्वकर्मा और दीपक मडौतिया उम्र लगभग 10 और 11 वर्ष, जो कि मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, दोनों व्यक्तियों को रौंद दिया। दोनों लड़कों को डीसीएम गाड़ी द्वारा टक्कर मारने की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया तथा टक्कर मारने वाली डीसीएम गाड़ी को पकड़कर कोतवाली पहुंचाया गया। जालौन से महेंद्र कुमार गौतम की रिपोर्ट। क्या हुआ है बता सकते हैं? सुधार पे सुबह 4 बजे टहलने आते हैं बच्चे जी, पिंडसाखी एमपीसी जी, पिकअप आ रही थी उसमें उन्हें जोरदार टक्कर मार दी जी। तो दोनों के बच्चे भी वहीं पे हालत गंभीर। दोनों बच्चे, इन बच्चों के नाम क्या है? एक का नाम है विश्वकर्मा जी और एक मोतिया का बच्चे का नाम तो पता नहीं का लड़का है, वो हमारे गाँव का है। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें।